हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में हम बात करेंगे साइकस की रूट की एनाटॉमी। आइए वीडियो के माध्यम से इसको शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर दो ही डायग्राम जो है लाइनर डायग्राम हमने बनाए हैं, जिसमें से पहला वाला जो है यहाँ पर नॉर्मल रूट का है और दूसरा वाला जो डायग्राम है वो कोरोलेट रूट या प्रवालाप जड़ का है। क्योंकि तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, साइकस में जड़ें जो होती हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो सामान्य जड़ें होती हैं जो कि मूसला जड़ होती है, जो कि गहराई में लंबे तक जाती है, नीचे तक जाती है जमीन में, और पादप को स्थिर रखने का कार्य करती है। साथ ही साथ दूसरे प्रकार की जो जड़ साइकस में पाई जाती है वो कोरोलेट रूट या प्रवालाप जड़ होती है। प्रवालाप जड़ के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये जड़ को प्रवालाप जड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो बाह्य स्वरूप जो होता है इसका, वो प्रवालाप के समान, मतलब कोरोलेट के समान होता है। बार बार द्विभाजी शाखाएं ये प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इनको हम कोरोलेट रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रूट की एनाटॉमी की। इसके लिए हमने यहाँ पर ये लीनियर डायग्राम जो है वो लिया है। तो जो रूट है उसकी आंतरिक संरचना को अध्ययन के लिए हम तीन क्षेत्रों में बांट सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमको इसकी आंतरिक संरचना में जो क्षेत्र दिखाई देंगे वो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र हमको दिखाई देगा वो दिखाई देगा एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। एपिब्लेमा की अगर हम बात करें तो यह जो क्षेत्र होता है वो रूट का सबसे बाहरी आवरण बनाता है, और यह क्षेत्र एक कोशिकीय मोटी परत से बना होता है। इसमें हालांकि मूल रोम पाए जाते हैं, लेकिन मूल रोम जो है वो अल्पजीवी होते हैं, बाद में मूल रोम जो है वो नहीं पाए जाते। एपिब्लेमा के बाद जो अगला हमारा क्षेत्र है रूट की स्ट्रक्चर में वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र होता है। ये मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित एक बड़ा क्षेत्र है जो कि आप देख सकते हैं अधिकांश भाग को घेरे हुए रहता है, और इनमें कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो रहती हैं वो बहुभुजीय होती हैं, मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं अथवा पैरेन्काइमेटस होती हैं। साथ ही साथ इन कोशिकाओं में जो है स्टार्च की बहुतायता पाई जाती है। ये जो कॉर्टेक्स है इसमें आपको स्टार्च जो है देखने को मिलेगा, स्टार्च पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है टैनिन सेल्स भी जो है आपको टैनिन देखने को मिलेगा। अब ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ये हमको टैनिन सेल्स दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से ये पूरे कॉर्टेक्स के अंदर फैली हुई रहती हैं। अब कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है उसको हम नाम देते हैं रम्ब या स्टील। या स्टील की बात करें तो स्टील का जो सबसे बाहरी आवरण या सबसे बाहर पाए जाने वाली जो परत है वो कहलाती है पेरिसाइकिल। यहाँ पर मैं एक बात जो है वो ऐड करना ये चाहूँगा कि पेरिसाइकिल से जस्ट पहले जो परत पाई जाती है, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत होती है, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एंडोडर्मिस जो है उसमें कैस्पेरिन पट्टियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। कहने के मायने ये है कि जो कॉर्टेक्स है वो एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। एंडोडर्मिस जो होगी वो कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत होती है जिसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स जो है वो ढोलाकार कोशिकाओं से निर्मित परत होती है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लेयर है वो एंडोडर्मिस है, ये बाहर जो है एपिब्लेमा, इसके बाद एक कॉर्टेक्स, और एक कॉर्टेक्स की सबसे जो आंतरिक लेयर है वो एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं पेरिसाइकिल, ये वाली जो परत हमको दिख रही है इसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल, इसके हम बात करते हैं। तो पेरिसाइकिल जो होगा वो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल पाया जाता है, अर्थात बहु परतीय पेरिसाइकिल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पेरिसाइकिल जो होगा वो सामान्य मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित क्षेत्र होता है। पेरिसाइकिल के बाद जो हमारा ये अंदर वाला जो रीजन है जिसमें हमको वास्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं इसकी बात करते हैं, तो यहाँ जड़ में जो कंडीशन हमको देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि जो जाइलम है यहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम हमको दिख रहा है। ये जो कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी संवहन फूलों की वो अरिया पाई जाती है, क्योंकि ये रेडियली रूप से आप देख सकते हैं विन्यासित रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जाइलम है और ये
इसके फ्लोएम जो है वो हम देख सकते हैं कि जाइलम के पास में हमको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है वो जाइलम पूल हैं। इस कंडीशन को देखने से हमको पता चल रहा है कि जड़ में जो कंडीशन पाई जाएगी वो डाइआर्च होगी, अर्थात आदिदारु की। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्योंकि तो इसमें दो सम्वयन पूल हमको जाइलम के दिख रहे हैं, दो पूल दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है हमको, और जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनके जो स्थिति है वो एग्जार्च होती है, अर्थात इनमें प्रोटोजाइलम जो मिलेगा वो बाहर की ओर मिलेगा और मेटाजाइलम जो मिलेगा वो अंदर की ओर पाया जाता है। बीच में अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो है वो पिच पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं बीच में जो है यहाँ पर ये जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा पिच कहलाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी वो थी नॉर्मल रूट की। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की कि नॉर्मल रूट में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नॉर्मल रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दोनों ही भागों में देखने को मिलती है, अर्थात बाहर कॉर्टेक्स क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी और जो रम्भ क्षेत्र है उसमें भी हमको देखने को मिलती है। दोनों ही क्षेत्रों में जो है हमको सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सबसे पहले रम्भ क्षेत्र की, तो रम्भ क्षेत्र में जो फ्लोएम है उस फ्लोएम के अंदर पिथ की ओर कैम्बियम का निर्माण हो जाता है और ये कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम बनाती है और साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। और ये जो पहले से ही प्राथमिक फ्लोएम यहाँ बना हुआ है इसके ये अंदर इसका कैम्बियम का यहाँ पर निर्माण होता है, तो ये कैम्बियम जो है वो अंदर की ओर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। अब इन सेकेंडरी टिश्यूज के निर्माण होने से ये जो प्राथमिक टिश्यू हैं विशेषकर जो हमारा फ्लोएम है प्राथमिक फ्लोएम, ये बिल्कुल संतुलित हो जाता है, क्रश हो जाता है और ये एक पतली सी परत के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो हम इन वास्कुलर बंडल्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये हमको दिखने को मिलेगा सेकेंडरी जाइलम और यहाँ पर एक पतली सी परत के रूप में ये प्राथमिक फ्लोएम और इसी के पास में सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो जाइलम है उसका निर्माण यहाँ पर अधिक हो जाएगा। कंडीशन वही रहेगी, डाइआर्च कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो इसके सेकेंडरी ग्रोथ में जो है हमको इस कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो मृदु तक ये कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बाद में जो है ये मेरिस्टमिक होकर के जो है एडा का निर्माण करती हैं जिसको हम कॉर्प कैम्बियम कहते हैं। ये कॉर्प कैम्बियम बाहर की ओर कॉर्प कोशिकाएं वे अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है और इस तरीके से बाहर जो है इन लेयरों के कारण ये जो बन जाएंगी एपिडर्मिस जो है बाद में यहाँ पर जब कॉर्प की लेयर आ जाएगी तो इसको हम पेरिडर्म कहते हैं। तो इस तरीके से हमको जो है रूट के अंदर देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम बात करेंगे कोरोलर रूट की आंतरिक संरचना की। कोरोलर रूट की आंतरिक संरचना लगभग वैसी ही होती है जिस तरीके से सामान्य जड़ की होती है, बस यहाँ थोड़ा सा फर्क होता है। बात करें अगर इसके बाह्य परत की तो वो बाह्य परत जो है वहाँ यहाँ भी यहाँ की तरह ही मिलेगी पेरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित एक परत के रूप में, अर्थात सिंगल लेयर पाई जाएगी। यहाँ अगर कॉर्टेक्स की हम बात करें तो वो जो है थोड़ा सा स्पेशल है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होगा वो तीन भागों में डिवाइड रहता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। अगर हम आउटर कॉर्टेक्स की बात करें तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो सामान्य मृदुसकीय कोशिकाओं से निर्मित क्षेत्र है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें टेरिन सेल्स पाई जाएंगी, साथ ही साथ स्टार्च पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो मृदुसकीय होंगी और बहुभुजीय होती हैं। इसके पश्चात जो हमको अंदर की ओर देखने को मिलेगा वो है, आप यह देख सकते हैं डायग्राम में, जिसको मिडिल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये मिडिल कॉर्टेक्स जो है इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं होगी वो दीर्घित पाई जाती हैं, अर्थात थोड़ी सी लंबाई में दीर्घित होती हैं और इन दीर्घित कोशिकाओं में पाए जाते हैं
शैवाल पाए जाते हैं जो कि सहजीवी रूप से रहते हैं, जिनमें एनाबीना साइकेडेसी पाया जाएगा, साइकेडी, इसके अलावा नॉस्टॉक पक्टीफोर्मी, इसके अलावा ऑक्सीटेलोरिया जो शैवाल्स हैं वो इनमें यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इन शैवालों की उपस्थिति के कारण ही इस क्षेत्र को कहा जाता है एल्गल जोन या शैवालीय क्षेत्र हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शैवाल जो है पाए जाते हैं। इस एल्गल जोन या मिडिल कॉर्टेक्स के पश्चात नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो है वो भी बाह्य कॉर्टेक्स की तरह सामान्य मृदुता की कोशिकाओं से निर्मित क्षेत्र होता है और सेम वही कंडीशन पाई जाती है जो बाह्य कॉर्टेक्स में पाई जाती है। इसके पश्चात बात करते हैं हम एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर सामान्य जड़ की बात ही एंडोडर्मिस पाई जाती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। उसके पश्चात अगर पेरिसाइकिल की बात करें रम्भ में, तो पेरिसाइकिल सामान्य जड़ की तरह ही यहाँ पर मल्टी लेयर्ड पाई जाती है। पेरिसाइकिल के बाद जो है हम बात कर लेते हैं आगे स्टील और सबमेन पूलों की। सबमेन पूल जो यहाँ पर पाए जाएंगे आप देख सकते हैं तीन सबमेन पूल दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ कंडीशन जो होगी वो ट्राइआर्च पाए जाते हैं, त्रि आदिदारु जो है कंडीशन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जाइलम और फ्लोएम जो है वो एकांतरित रूप से पाए जाते हैं, अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कंडीशन डाइआर्च थी, यहाँ पर ट्राइआर्च है और आप ये देख सकते हैं कि ये जाइलम पूल है, ये फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरीके से एकांतरित या अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। और सम्मेन पूल जो होते हैं वो एक्सार्च होते हैं। एक्सार्च का मतलब है कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ मिलेगा और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की ओर मिलता है। जड़ के केंद्र में जो है वो अंगुपित दिखाई देती है जो सामान्य मृदुता की कोशिकाओं से निर्मित क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें कोरोलॉइड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की, तो यहाँ पर कोरोलॉइड रूट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को हमको नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर कोरोलॉइड रूट की स्ट्रक्चर देखी है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं छोटे वाले। अगर हम देखें तो एक तो हमको ये पूछा जाता है कि जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो क्या कहलाता है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि एल्गल जोन कहलाता है जिसमें हम एल्गी पाई जाती हैं। या फिर कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इस कोरोलॉइड रूट के किस क्षेत्र में एल्गी पाई जाती है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। एक इसके जो है सबमेन पूलों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सामान्य जड़ में से भी जो है वो प्रश्न हमसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर पे तो प्रश्न आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारा साइकस की रूट की एनाटॉमी, जिसमें हमने समझा नॉर्मल रूट और कोरोलॉइड रूट की एनाटॉमी को। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।